बच्चों, ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। पिछले लेक्चर में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री के सिलेबस और केमिस्ट्री के मार्क्स के बारे में चर्चा की थी कि केमिस्ट्री में हमें कितने पेपर पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है और वेरियस पेपर हैं उनमें कितने नंबर होते हैं और हमें पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं। आज हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस और अध्ययन के अनुरूप पहला लेक्चर या पहला जो लेसन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन में हम परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे, परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उसमें आपके सबसे पहले दिया हुआ है डी ब्रोगली के द्रव्य तरंगों के बारे में विचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली के द्रव्य तरंगों का विचार क्या है? तो जो ब्रोगली डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक हुआ था, उसने अपने विचार रखा था संपूर्ण द्रव्य के लिए। द्रव्य मतलब मेटर। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य एक होता है द्रव लिक्विड, एक होता है द्रव्य मेटर। द्रव्य किसे कहते हैं? प्रकृति में कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जिसका द्रव्यमान हो, जिसका कुछ भार हो द्रव्यमान हो और जो जगह या स्थान घेरती हो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। फिर द्रव्य को अलग अलग पार्टों में विभाजित किया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, लेकिन आप इस लेवल पे आप बताए आपको कि पांच प्रकार की होती है। पदार्थ की दो अवस्थाओं का अध्ययन किया जा चुका है जिसमें चौथी प्लाज्मा और पांचवी है बीईसी बोस आइंस्टीन कंडक्ट। ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन देख लेते हैं डी ब्रोगली के द्रव्य तरंगों का विचार। डी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकृति का जो कण है वो द्वैत प्रकृति द्वैत व्यवहार दर्शाता है। द्वैत द्वैत कहते हैं डबल, हिंदी में द्वैत। द्वैत का मतलब क्या होता है? डबल दो तरीके का व्यवहार दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? समटाइम्स इट्स बिहेव लाइक मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स इट्स बिहेव लाइक वेव। कभी वो कण की भांति व्यवहार करता है तो कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। लेकिन उसने ये भी बताया कि अगर कोई द्रव्य पदार्थ या कोई कण किसी समय में कण की भांति व्यवहार कर रहा है तो वो तरंग की भांति व्यवहार नहीं करेगा, और यदि वो किसी स्पेसिफिक टाइम में तरंग की भांति उसका व्यवहार आ रहा है तो हम उसको एज ए मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं कर सकते, उसको मॉलिक्यूल या कण की भांति उसके व्यवहार में अध्ययन नहीं कर सकते। यानी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी टाइम में या तो हम उसकी कणीय प्रकृति ही प्रदर्शित कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, या फिर उसको एज ए वेव तरंग के रूप में उसको कंसीडर कर सकते हैं। एक साथ दोनों प्रकृति को दर्शाना और कंसीडर करना ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि प्रकृति तो दो प्रकार की दर्शा सकता है लेकिन एक टाइम में एक ही व्यवहार दर्शाएगा वो। ठीक है, अब देखिए एक तो उसने बताया कणीय प्रकृति और दूसरी उसने बताई थी तरंगीय प्रकृति। कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति में क्या है? देखिए कणीय प्रकृति जब वो दर्शाता है तो किस गुणों के आधार पर उसको कणीय प्रकृति के रूप में कंसीडर करेंगे मॉलिक्यूल्स के रूप में, और किन गुणों के रूप में उनको अध्ययन करके उनको तरंग मानेंगे अपन, ये दो गुण भी बताए थे उसने। उसने बताया था कि जब किसी पदार्थ को कणीय, जब किसी द्रव्य को कणीय रूप में या मॉलिक्यूल रूप में कंसीडर करते हैं तो उसके दो गुण होते हैं, एक तो होता है उसमें संवेग और दूसरी होती है उसकी ऊर्जा या एनर्जी। इसी प्रकार तरंग में भी उसने दो गुण बताए थे, एक होता है तरंग का तरंग दैर्ध्य और दूसरी होती है उसकी आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति में कितनी छोटी आई है आवृत्ति, इसको घुमा के इधर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, संवेग आप जानते हो एम भी होता है या फिर इसको एज ए बी भी कंसीडर कर सकते। ऊर्जा एनर्जी ये होती है, तरंग दैर्ध्य आपका लैम्डा है और ये आपका आवृत्ति क्या होगा? ये यूनी हो गई। ठीक है, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा दो क्रमागत तरंग वेग गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या एक उच्चिष्ट और एक निम्निष्ट के बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आवृत्ति, आवृत्ति तो आप जानते ही हो भाई क्या है आवृत्ति, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक्चुअली आवृत्ति जो है इट्स ए रेट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन की दर है ये, कंपनों की दर है आवृत्ति एक तरीके से। संवेग जो है, संवेग आप जानते हो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग के रूप में कंसिडर करते हैं, और एनर्जी आपको ऊर्जा कार्य करने के लिए किसी भी काम के लिए जो होती है ऊर्जा होती है आपको पता है। अब देखिए डी ब्रोगली सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो डी ब्रोगली सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले आपने प्लैंक समीकरण और आइंस्टीन समीकरण पढ़ा है, उसके आधार पर ही हम डी ब्रोगली सिद्धांत का निर्माण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब हमें आसानी से याद होगा, रटने
फिलहाल आपने जाना कि दी ब्रोकली ने क्या विचार रखे थे कि भाई जो प्रत्येक द्रव्य होता है वो दो प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, कण की भांति भी और तरंग की भांति, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही व्यवहार कंसीडर कर सकते हैं, या तो वो कण होगा या फिर वो तरंग होगा। अगर कण होगा तो उसमें संवेग और ऊर्जा का गुण होगा, और अगर तरंग होगा तो उसमें तरंग देरी और आवृत्ति का गुण होगा। समझ में आ रही है? अब हम दी ब्रोकली के सिद्धांत को व्युत्पन्न करते हैं या दी ब्रोकली के सिद्धांत का पता लगाते हैं कि इसने क्या बात बताई थी। जी बच्चों देखिए, ब्रोकली सिद्धांत के लिए सबसे पहले प्लांक इक्वेशन आप सबको पता है, प्लांक समीकरण होता है E इक्वल टू एच न्यू, और आइंस्टीन समीकरण सब बच्चे जानते हैं E इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, द्रव्यमान संरक्षण का ऊर्जा का नियम है, और ये ऊर्जा जो है उसके प्लांक कॉन्स्टेंट और उसकी आवृत्ति के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि इसके इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से ये दोनों वैल्यू सेम हो रही है, E इक्वल टू एच न्यू है और E इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, तो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एच न्यू इज डायरेक्टली इक्वेशन इक्वल किसके हो गया, एमसी स्क्वायर के हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम देखेंगे कि एच न्यू अपॉन सी, एक सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर से सी इधर ले आएंगे तो एच न्यू अपॉन सी एमसी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि किसी की भी आवृत्ति जो है तरंग की आवृत्ति उसके प्रकाश के वेग और तरंग देरी के अनुपात के बराबर होती है। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी तरंग की जो आवृत्ति होती है वो किसके बराबर होती है, प्रकाश के वेग और उस तरंग की तरंग देरी के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच सी, ये वाला तो एच सी तो एजिटिव हो गया, ठीक है, एच सी, और न्यू की जगह हमने क्या रख दिया, वही सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। अब देखते हैं, सी से सी का कैंसिल हो जाएगा तो ये ले जाएगा एच लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा, सॉरी एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन एम सी हो गया, ये समीकरण इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। यहाँ पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 18 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखिए सॉरी 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इधर, यहां पर बच्चों जो एमसी है वो प्रकाश की क्या है, द्रव्यमान, एम इज इक्वल टू द्रव्यमान है और सी इज इक्वल टू क्या है उसकी प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी है। अब अगर मैं इसको ऐसे तरंग मानूं तो प्रकाश के वेग को, उस तरंग को, प्रकाश के वेग को ही हम उसकी क्या मान सकते हैं, वेलोसिटी मान सकते हैं, अर्थात हम तरंग का पोटेंशियल अगर कंसीडर करते हैं इसको तो पोटेंशियल क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, नहीं होता, एम वी इसका द्रव्यमान है और वी इसका क्या है वेग है और सी भी क्या है प्रकाश का वेग है, तो यहां मैं क्या कर सकता हूँ, सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वी हो सकता है, तो यहाँ पर संवेग इसके बराबर हो सकता है एम सी बराबर एम वी। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब ये है कि एम इंटू सी को ही मैं क्या मान सकता हूँ, इसका संवेग मान सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। समझ में आ रही है बात, ये एम वी क्यों करा मैंने, क्योंकि एम तो मास है, सी यहाँ पर क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को वेलोसिटी ऑफ मैटर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, और द्रव्यमान और वेलोसिटी का जब गुणनफल होता है तो वो किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अगर एक इक्वल का मार्क हटा करके प्रोपोर्शनल का मार्क लगाऊंगा तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट चला जाएगा, प्लांक कॉन्स्टेंट, और इसकी जगह 1 अपॉन एम वी, ठीक है। तो देखिए समीकरण नंबर जो 5 है, इक्वेशन नंबर जो 5 हमारे पास प्राप्त हुआ है, यह दी ब्रोकली समीकरण कहलाता है, इसको दी ब्रोकली सिद्धांतिक समीकरण के रूप में माना जाता है, और यह समीकरण क्या कहता है कि किसी भी गति करते हुए कण का, क्योंकि वेलोसिटी है ना वी है, तो गति करते हुए किसी भी कण का संवेग उसकी तरंग देरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि एम वी क्या है यहाँ पर संवेग है, और संवेग कब आएगा, जब कोई कण वेग से किसी वेग से गति करेगा, विदाउट वेग संवेग क्या होगा, जीरो होगा। अगर वी इज इक्वल टू जीरो रख दूं मैं तो पी इज इक्वल टू एम इन टू जीरो, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात वेलोसिटी होगी तभी क्या होगा, संवेग होगा। तो गति करते हुए किसी भी कण का जो संवेग मिलेगा, कण का द्रव्यमान जो होता है कुछ ना कुछ, तो वो जो संवेग है वो किसके बराबर होगा, उसकी तरंग देरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इस तरीके से हम उस कण की जो द्वैत प्रकृति है उसके बारे में रिलेशन बता पा रहे हैं, क्योंकि लैम्डा जो है वो तरंग का गुण है और एम भी जो है संवेग वो
को रिलेट कर रहे हैं, दोनों को संबंध बता रहे हैं, तो कण एक सॉरी संवेग कण का गुण हो गया और वेवलेंथ किसकी तरंग की गुण हो गई, और वेवलेंथ और संवेग के बीच में अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो इसका मतलब किसी भी द्रव्य के कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति के मध्य हम संबंध बता पा रहे हैं। जिस प्रकार डी ब्रोगली ने बताया कि किसी भी गति करते हुए कण की तरंग दे रही है उसके संवेग के विरुद्ध क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/NV, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/E। ठीक है, ये आपका डी ब्रोगली सिद्धांत कहलाता है। इसके एक सवाल कर लेते हैं अपन, चलिए सवाल क्या है देखते हैं। सवाल दे रखा है आपके एक कण के संवेग का परिकलन कीजिए, यानी हमें संवेग ज्ञात करना है, एनवी या पी ज्ञात करना है। संवेग का परिकलन ज्ञात कीजिए जिसकी डी ब्रोगली तरंग दे रही है, यानी उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 2.5×10^-10 मीटर है। ठीक है, और उसका प्लैंक कांस्टेंट सवाल में दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट का जो मान है वो होता है 6.64 होता है एग्जैक्टली, लेकिन इसमें 6.60 दे रखा है, क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। और ये है आपकी 10^-34 और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। डी ब्रोगली सिद्धांत क्या कहता है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, सबकी वैल्यू दे रखी है अपन को, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम भी कैलकुलेट करना है। तो एम भी क्या हो जाएगा, मान रख दो एम भी हो जाएगा आपका h/λ। अच्छे से लिख देता हूं, एम भी इज इक्वल टू h/λ। तो एम भी क्या करना है, तो एम भी की जगह एम भी, एच का मान 6.60×10^-34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन वेवलेंथ कितनी है 2.5×10^-10। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको आप रफ में सॉल्व करके उत्तर कमेंट में बताइए कि कितना उत्तर आता है। मैं आपको अगले लेक्चर में इसको उत्तर बता दूंगा कि किन बच्चों का सही है और किन बच्चों का गलत है। तो इस तरीके से संवेग वेवलेंथ में से कोई भी अगर आप को एक वैल्यू दे रखी है तो हमें प्लैंक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है सबको वैल्यू पता होती है, तो इसका मान रख करके हम तरंग दे रही है और संवेग से क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट को काउंट हो सकता है, प्लैंक कांस्टेंट और तरंग दे रही से पोटेंशियल निकल सकता है, और प्लैंक कांस्टेंट और पोटेंशियल संवेग से क्या निकल सकती है, वेवलेंथ निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, रिलेटेड है ईच अदर। तो ये आपका डी ब्रोगली सिद्धांत है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समझ कोई बात की क्वारी है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।